इंदौर में मेट्रो पॉलिटिक्स तेज हो गई है। मेट्रो का ट्रायल रन सितंबर में शुरू करने की बात कही जा रही है, तो वहीं इंदौर और भोपाल में मेट्रो के कोच पहुंच गए हैं। इंदौर में 6 किलोमीटर के ट्रैक को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। मेट्रो के डायरेक्टर शोभित टन्ना ने बताया कि 6 किलोमीटर के ट्रैक को कंप्लीट कर लिया गया है, साथ ही सितंबर के ट्रायल रन शुरू कर दिया जाएगा। वहीं पिछले दिनों कांग्रेस के नेता राकेश सिंह यादव द्वारा घोषणा की गई थी कि सितंबर में किसी भी हालत में मेट्रो का ट्रायल रन नहीं हो सकता है। अगर मेट्रो का ट्रायल रन बीजेपी करवा देती है तो बीजेपी को 1 लाख के नाम देने की कांग्रेस ने घोषणा की थी। अब कांग्रेस नेता ने सवाल खड़ा किया है और पूछा है कि CMRS यानी कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के बिना NOC के ट्रायल रन कैसे कर सकते हैं, और अगर ऐसा किया जाता है तो CM संसद को बैठना अपराध की श्रेणी में आता है। महाराष्ट्र के पनवेल में सरकार को परमिशन लेने में 12 साल का वक्त लगा था, और अब अगर 90 दिनों में अगर मेट्रो जनता को लोकार्पित हो जाती है तो अब 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए हम देंगे। वहीं अब इंदौर में मेट्रो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी टीनू जैन ने कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया है और पलटवार करते हुए कहा है कि आप सितंबर में मेट्रो का ट्रायल रन किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता ने जो इनाम देने की घोषणा की थी वे इनाम अब मेट्रो के कर्मचारियों को दे, और उसके साथ ही भाजपा ने कांग्रेस को घूरते हुए कहा कि कांग्रेस में भूमि पूजन कोई और करता है, लोकार्पण कोई और करता है, टेंडर कहीं और जारी होते हैं, काम कहीं और होता है, लेकिन बीजेपी में भूमि पूजन भी वही नेता करते हैं और लोकार्पण भी वो जो वादे करते हैं, और बीजेपी पूरा भी करती है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई सितंबर में मेट्रो का ट्रायल रन होता भी है या फिर नहीं, क्योंकि तमाम तरीके की राजनीतिक गलियारों में चर्चा मेट्रो को लेकर होने लगी हो, या फिर यूं कहें कि मेट्रो पॉलिटिक्स अब जोरों शोरों पर चलने लगी है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार लगातार यही कोशिश कर रही है कि जनता को मेट्रो का लाभ अधिक से अधिक दिया जाए, और मेट्रो का ट्रायल रन सभी को ही ऐसी उम्मीद थी कि इस बार इस साल तो नहीं होने वाला है, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने घोषणा की थी कि सितंबर में लगभग मेट्रो का कार्य पूर्ण रूप से इस तरीके से संपन्न होगा कि उसका ट्रायल रन लिया जा सकेगा, तब से ही कांग्रेस जमकर पलटवार हो चुकी है। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।